वापिस जा रहे हैं मतलब भाई आगे बहुत तगड़ा नाका है यार। रोक लिया। कहाँ जा रहे हो सर? हम खाना डोनेट कर गर्मी से लिया आपने। यो यो गोभी खोदने वालों, बात ऐसी घर के आज हम दोबारा आ चुके हैं बाहर और मैं सबको बता जाऊंगा मैं परमिशन से घूम रहा हूँ डीएम की और अपने सामने अपना लौंडा अरे मिस्टर अजहर खान भाई कैसे हो? क्यों तो बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो भाई चलते हैं। आज दोबारा हम थोड़ा सा खाना पीना लाए हैं पेटी में। बिल्कुल डोनेट कर थोड़ा नहीं है भाई बहुत ज्यादा, एक बार दिखा दो पब्लिक को पूरी पेटी भरी पड़ी है। पेटी भरी पड़ी है यहाँ भी है साइड में भी गिर रहा है। चले फिर चले। बिल्कुल भाई चलते हैं। तो गाइस हम देते हैं दो पैकेट, एक और निकालो भाई दो दे देते हैं। ठीक है चलो भाई अच्छा लगता है भाई ये काम करके है ना यार। एक एक करके आराम से देख रहा हूँ और है सबको देना है सबको देना है सब... दे रहा हूँ। भाई अब जा रहे हैं यश के पास प्रेसिडेंट के पास। ये कौन सा मयूर भी आ रही है? हाँ भाई मयूर भी आ रही है फेस थ्री। एक बार यश के पास चलते हैं। बिल्कुल भाई रोक दो भाई बस आ गया ये। यहाँ रहता है लौंडा अपना गन्ने के रस के पास। क्या बात है यहाँ बुला लेते हैं उसे। अरे अपना लड़का आ रहा है मिस्टर यश। क्या हाल है गुरुजी? बहुत बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रेसिडेंट साहब आज फिर कुछ करना है तगड़ा? चलते हैं यार एरिया पे आज और डोनेट करते हैं खाना। बैठो बताइए तो डोनेट करते हैं। चलो खाना बैठ। बिल्कुल बैठो भाई चलो बैठो भाई लेट्स गो। तो भाई देखो ये अंकल भी वापस जा रहे हैं मतलब भाई आगे बहुत तगड़ा नाका है यार। आगे नाका है भाई स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है भाई मामला बहुत स्ट्रिक्ट है मुझे तो दिख रहे हैं इसे पुलिस वाले। ये देखो भाई सामने यार अपने पास तो पास है। बिल्कुल भाई पास तो है तब भी यार स्ट्रिक्टनेस तो है यार। बात कर लेते चलो भले ही हम सामान बांट रहे हैं यार बट ये रोकेंगे जरूर भाई हमें। एक बार बात कर लेते रुको। ठीक है भाई बात करो यार भाई मुझे तो डर सा लग रहा है यार भाई डर सा लग रहा है। देखो ये देखो नाका है पूरा खड़े हैं भाई पुलिस वाले खड़े हैं यार सामने आ रहे हैं। रोक लो बता दो रोक लिया भाई। हाँ जी सर। आज कहाँ जा रहे हो सर? हम खाना डोनेट करने जा रहे हैं गरीबों को। और भी बोलो खाना परमिशन लिया आपने? हमें तीन लोग परमिशन ले रखी है हमने। किससे लिए? डीएम से। कागज कहाँ है? कागज किसके? ये रहा कागज आगे है। चेक करो जरा। चेक कर लो आप नंबर चेक कर लो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है दो लोग अलाउ है ठीक है। आप तीन जा रहे हैं और थोड़ा कम ले। थोड़ी भीड़ ज्यादा है ना बच्चे बहुत ज्यादा थे इसलिए हमें तीन बच्चे ज्यादा हैं वो ठीक है। हाँ। पर अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है। सही बात है अपनी सेफ्टी तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा। और ऊपर से आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया भाई? सीट बेल्ट यही सामने से ही आ रहे हैं ना? नहीं तो सामने से आ रहे हो। हाँ। रूल पता है कि नहीं पता है? सही बात है सर लगा सीट बेल्ट लगाओ जल्दी अभी लगा लेते ध्यान रखिए सब चीजों का अभी लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ठीक है सर ठीक गाइस से देखो गाड़ी की चेकिंग हो रही है। आपको पता है ना कि बगैर पास के नहीं निकलना। सीट बेल्ट भी आपने लगा नहीं रखा क्यों? सीट बेल्ट लगाओ सर। आप यहाँ से आप यहाँ भी आ रहे हो तो सीट बेल्ट तो जरूरी है ना आपकी सेफ्टी के लिए है ना? के लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान रखें ठीक है ना। और विदाउट परमिशन सर गाड़ी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें लॉकडाउन को ठीक है। हम लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जो अंदर बंदे बैठे हुए हैं कि आप लोग घर ना आए। अगर आप घर आएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी क्योंकि हम तो रिक्स ले रहे हैं आपके लिए। हम तो आपकी सेफ्टी के लिए हम ये चीज रिक्स ले रहे हैं लेकिन आप अंदर रहेंगे तो बहुत बेहतर है तभी सबके लिए बेहतर है वरना ये ऐसी बीमारी है ये फैलती रहेगी और कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। छोटा बड़ा भाई बहन ये किसी को नहीं देखती
हम एक ही वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, केयरफुल रहें। गाइस ये अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो धूप हो ये बाहर ही खड़े रहते हैं, तो एटलीस्ट इनके लिए कुछ करो और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो, घर से बाहर मत निकलो। बहुत ज़्यादा नीड हो कुछ लेना हो तो आ जाओ, तो ये भी कुछ नहीं करे। अगर आपको दाल आटा ये सब लेना तो ये भी इंसान ही है, ये समझते हैं, बट आप फालतू में निकल रहे हो उसे घूमने के लिए तो फिर तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ज्यादातर क्या हो जी, छोटा सा चिप्स लेने निकले थे बेटी के लिए, वो ने ये नहीं पता कि हम कितना बड़ा रिस्क लेके घर जा रहे हैं, चिप्स के चक्कर में एक रिस्क लेके जा रहे हैं, सबको फैल जाएगा, सबको फैल जाएगा, सबको हो जाएगा वो। इसलिए हमारा बस ज्यादा से ज्यादा सबसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सेफ रहें, घर में ही आप सेफ है, बाहर नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो प्लीज गाइस इसलिए स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब, और इन सब के लिए जो मेहनत कर रहे हैं हमारे वॉरियर सबके लिए घर में बैठ के ताली बजाना, और हो सके तो पानी वानी डोनेट कर दिया करो, आपके नियर बाय कोई भी अगर आपको मिले कोई नीडी बंदा तो उसको पानी या खाना डोनेट कर दिया सर। तो गाइस वीडियो को कर रहा हूँ मैं यही एंड, इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छा करा, एक एक गाड़ियों की चेक करी, इवन मेरी गाड़ी चेक करी है। बहुत लोग कहेंगे हिडन कैमरा, तो मैं बताना चाहूँगा मैंने वहाँ एक बंदा भेजा, उसके हाथ में छोटा सा कैमरा था, उसने बाहर से बस मेरी गाड़ी का नंबर दिखाने के लिए रिकॉर्ड करा कि मेरे पास परमिशन है, फिर भी मेरी गाड़ी रोकी गई। इन्होंने सबकी गाड़ी रोकी, सबकी गाड़ी चेक करी, जिससे उस परमिशन उसकी वेरीफाई करी डिटेल। तो गाइस इनको थम्स अप, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी जान को रिस्क दे के। तो आप घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो, सेफ रहो और सारे रूल्स फॉलो करो जितना हो सके, और बहुत ही एसेंशियल नीड पे ही बाहर निकलो, फालतू में मत निकलो। मैं भी किसी काम से निकला था, मैं डोनेट करता रहता हूँ, बाहर तभी जाता हूँ। तो बस गाइस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बस, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचे बस।